नरेंद्र कुमार शर्मा, आई एम स्टार्टिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। द टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग। बच्चों, फूड पॉइजनिंग भोजन का विषाक्त होना, कभी कभी हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं क्योंकि वो उन पर टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं। व्हेन वी ईट दीज टॉक्सिक सब्सटेंस We fall ill and sometime we die also. So we should preserve our food so that it cannot spoil. तो बच्चों, food poisoning के बारे में आपको बताया। कई बार हमें ऐसा है कि यदि waste food या spoiled food हम खा लेते हैं तो हमको vomiting हो जाती है, उल्टी हो जाती है, क्योंकि ये food में toxic substance mix up कर देते हैं। सीरियस इलनेस हो जाती है इनसे, कभी कभी इवन डेथ भी हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई फूड हमारा पॉइजन हो गया तो आपने देखा होगा कि रॉ मैंगोज आप रख देते हैं तो खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, जबकि पिकल्स जो है मैंगो का वो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने प्रिजर्व किया। अब फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का संरक्षण। बच्चों, क्योंकि फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए फूड को प्रिजर्व करना जरूरी है, उसको संरक्षित करना जरूरी है। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, करीब 6 मेथड मैंने लिखे हुए हैं बच्चों। पहला मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड बच्चों, केमिकल मेथड जैसे साल्ट हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, चेक द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स, अर्थात हानिकारक माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। कौन? केमिकल। कैसे? साल्ट, इडेबल ऑयल। इसलिए हम जो है अचारों को साल्ट में, इडेबल ऑयल्स में प्रिजर्व करके रखते हैं। अब एग्जांपल कुछ और भी केमिकल होते हैं, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बच्चों, और ये जो है नींबू के पिकल्स को संरक्षित रखता है। सोडियम मेटाबायोसल्फेट, प्रिजर्वेटिव इन जैम्स, स्क्वैश एक्सेट्रा, इनको संरक्षित करने में यूज किया जाता है। अब सेकंड है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कई बार हम कॉमन साल्ट जिसे नमक कहते हैं उसके द्वारा भी अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। इससे कौन कौन से फूड आइटम प्रिजर्व किए जा सकते हैं? जैसे आंवला, रॉ मैंगो, मीट, फिश, इनको प्रिजर्व किया जा सकता है। नंबर थर्ड है प्रिजर्वेशन बाय सुगर। सुगर के द्वारा भी हम प्रिजर्व करते हैं क्योंकि इससे मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाते हैं और इससे जो प्रिजर्व किए जाते हैं जैम, जेलीज, स्क्वैश, इनको प्रिजर्व किया जा सकता है बच्चों, सुगर। फिर फोर्थ है प्रिजर्वेशन, जो यहां था वो यहां है, बाय ऑयल एंड विनेगर। समझे? ऑयल में भी उसको प्रिजर्व कर सकते हैं फूड आइटम को, और विनेगर सिरके, सिरका में भी रख सकते हैं। तो क्या है कि रेडिश वगैरह को छोटे छोटे पार्ट्सों में काट करके इसको विनेगर में रखा जाता है, तो पिकल्स बनाने में पिकल्स बना करके प्रिजर्व किया जाता है। वेजिटेबल को हम प्रिजर्व कर सकते हैं ऑयल में, विनेगर में, ऐसे फ्रूट को भी, मीट को भी। इसके बाद फिफ्थ है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। बच्चों, बड़ा आसान, आपने दूध की गाड़ियों पर लिखा देखा होगा पाश्चराइज्ड मिल्क। पाश्चराइज्ड मिल्क, लुईस पाश्चर ने इस विधि का एक तरह से डिस्कवरिंग की थी। तो उन्होंने क्या किया कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट अप किया। बच्चों, कितने सेकंड के लिए? 15 से 30 सेकंड के लिए। इसके बाद उन्होंने इसको सडनली चिल्ड किया, तो ऐसी स्थिति में हार्मफुल माइक्रोब हीट अप करने में मर गए। कोल्ड करने के बाद वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, इसलिए हमारा मिल्क प्रिजर्व हो जाता है। इसलिए मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए पाश्चराइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड पैकिंग। बच्चों, आप देखते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग, अनेक फूड आइटम
पैकेज होकर के आ जाते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट है हमारे पैकेज होकर के आते हैं। इससे क्या होता है कि यदि हम पैकिंग कर देंगे तो उसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स एंटर नहीं कर पाएंगे, हार्मफुल माइक्रोब एंटर नहीं कर पाएंगे और हमारा फूड प्रिजर्व रह पाएगा। इसलिए हम सील बंद जो ड्राई मिल्क आता है उसको सील बंद पैकेज में रखते हैं, डिब्बे में रखते हैं। तो ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद बच्चों दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो, नेक्स्ट आई स्टार्ट अगेन।